नमस्कार, मैं उषा श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जी हाँ, कल हमने आपको दिखाया था कि प्रेमसर मोटर में सुबह 6 बजे से छापा पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव सबसे पहला खबर आपको जीएन भारत ने दिखाया था, लेकिन अब जो आज जो खबरें आ रही है कि ये जो प्रेमसर मोटर ऑटोमोबाइल सेक्टर जो इतना बड़ा है, रांची का लैंडमार्क हमने कहा था आपको, है ये पुनीत पोडार का है। और पुनीत पोडार जो है बहुत बड़े रांची के व्यवसायी है। जी हाँ, और वो अब रडार पर आ चुके हैं आईटी रेड का। आईटी ने कल जो छापा मारा था प्रेमसर मोटर में, पुनीत पोडार के और भी जो कपड़े हैं, आपको बता दें पुनीत पोडार एक बहुत बड़े व्यवसायी है रांची कोलकाता में। इनका बहुत बड़ा फैला हुआ बिजनेस है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल और कपड़े का। जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स रोशपा टावर, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स प्रतिष्ठान उनका कपड़ा का बहुत बड़ा दुकान है, अपर बाजार में है। इसके साथ ही रोशपा टावर में है, कोलकाता में कपड़े का दुकान है, रांची में प्रेमसर मोटर है, रांची में 25 जगह इनका सर्विसिंग सेंटर चलता है। जी हाँ, तो इतने सारे ठिकानों पर एक साथ आज भी सुबह 6 बजे से आईटी जो है अपना रेड मारे हुए हैं। और सुनने में आ रहा है काफ़ी भारी मात्रा में दस्तावेज और कुछ इम्पोर्टेंट फोन जो है वो बरामद हुए हैं। आई थिंक 300-400 GB डेटा तक भी बरामद हुए, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही है। अब इस डेटा में क्या निकलेगा ये तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इनके फ़ोन से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि इनके फ़ोन से और भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है वो निकल के सामने आ सकते हैं। और उनमें एक और बिजनेसमैन का नाम आ रहा है जो चूरू वाला के मालिक है, उनको भी, जी हाँ, आईटी रेड के नज़र में वो भी है। चूरू वाला अपर बाजार में और मेन रोड में बहुत बड़ा दुकान है, बहुत बड़े व्यवसायिक है ये भी। यानी अब मेन रोड और जो रांची के जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं उन पर भी आईटी का पैन ही नज़र है। जी हाँ, आईटी, सीबीआई, ईडी सब पूरे के पूरे फॉर्म में आ चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो कि किसी को छोड़ना नहीं है। दस्तावेज बरामद हुए हैं, इसमें बहुत अवैध टैक्स चोरी करने का आरोप है, टैक्स रिलेटेड फाइल बरामद हुए हैं। साथ ही बहुत जगह जमीन जो फ्लैट्स है इन सब की कुछ दस्तावेज, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से है, लेकिन सुनने में आ रहा है ये सारी चीज़ें हुई है, जो आपको हम अगले वीडियो में पुष्टि होकर इस बारे में और खुलकर बताएंगे, क्योंकि अभी सूत्रों रेट चल रहा है और अंदर से चीज़ें खुलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही और भी बिजनेस टाइकून है जिस पर आईटी का नजर है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो खबरें यही आ रही है कि कोलकाता और रांची के 25 ठिकाने पर एक साथ आज फिर से छापे, और ये छापा सुनने मारा बहुत लंबा चलने वाला है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि यह छापा आज हो गया कल हो गया बस। पुनीत पोडार पूरी तरीके से रडार में आ गया है और उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। देखना आगे दिलचस्प होगा कि इनके फ़ोन से और चूरू वाला के मैनेजर से जो मोबाइल जब्त हुई है, और कितने बड़े बिजनेस टाइकून, और क्या फिर इनका भी कोई कनेक्शन सत्ता के गलियारे तक पहुँचता है कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।